छोटू उस्ताद। अबे छोटू ये अपना रोबोट यार है क्या? अबे हाँ यार उस्ताद, ये रोबोट ही है। आज मैंने इसको ना एक दरवाजे से निकलते देखा, मतलब पहले यार उस्ताद ये रोबोट था, फिर ये ना हमें देखते ही इस गाड़ी में ट्रांसफॉर्म हो गया। मतलब क्या छोटू, वो तो छत वत खुली होती है रोबोट की गाड़ी की। उस्ताद पर मैंने इसको देख लिया तो इसने पूरा कवर कर दिया। यार ये क्या बात थी, मुझे तो समझ नहीं आई, पर यार उस्ताद जिस दरवाजे से ये निकला था ना वो मैंने देख लिया। यार मैं तुम्हें ना वो दरवाजा दिखाता हूँ जहाँ से ये निकला था उस्ताद। चलो चलो आगे। ये यार उसका किसी भी हमारे व्यूअर्स का ना ध्यान ही नहीं गया यार इस दरवाजे पर, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी गाड़ी को मैंने पार्क कर दिया यहाँ पर और यही घर है वो। क्या तुम उस दरवाजे को देखने के लिए एक्साइटेड हो उस्ताद? अबे हाँ छोटू, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई दरवाजा होगा। उस्ताद वो दरवाजा मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, 3, 2, 1, ये है वो दरवाजा। अबे ये तो हॉस्पिटल का दरवाजा लग रहा है मेरे को छोटू, क्या रोबोट यहीं से निकला था? हाँ यार सर यहीं से निकला था। और यार सर क्या तुम्हें लगता है ये दरवाजा कुछ मामूली है? अबे नहीं छोटू, ये सामने देखना रोबोट की तस्वीर लगी हुई है, ये प्लस व्लस नहीं है, ये रोबोट की तस्वीर है। हाँ यार सर, ऊपर सर दो हाथ और नीचे पैर उस्ताद, तुम्हें तो पता ही नहीं है यार कुछ, अब तुम्हें लगता है तुम इंटेलिजेंट हो। लेकिन छोटू हमारे पीछे सोल्जर खड़े हैं और देख रहे हैं हमें। अबे यार सच कोई दिक्कत की बात नहीं, देख ले यार हमारे पास अपनी आरपीजी के गोले पड़े हैं जो हम उनके मुंह पे दे मारेंगे। पर यार उस्ताद इस पूरी जगह को ना पहले एक्सप्लोर कर ले यार। ओके छोटू मैं तेरे साथ हूँ, चल बता ऊपर जाना है, नीचे जाना है, साइड में जाना है, बाएं जाना है, दाएं जाना है? उस्ताद पहले मैं इसको ब्लास्ट करने वाला हूँ, मतलब यार सर मैं देखने वाला हूँ आ कहाँ से रहे, कौन बना रहा है इसको, तो मैं इस दरवाजे को फोड़ने की तकलीफ कर रहा हूँ यार। मुझे तो पता है उस्ताद मैं इसको आसानी से तोड़ दूंगा, ये तो ऐसे ही छोटा सा मुन्ना सा दरवाजा है, देखते हैं टूटता है कि नहीं। अबे छोटू इसके अंदर हो सकता है रोबोट के बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, बीवी हो। तूने ये क्या कर दिया, ये कौन है? अबे यार सर ये पता नहीं कोई गुंडा है हमसे लड़ने आ गया यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बिल्डिंग देखो उस्ताद कुछ अजीब तो वैसे ही लग रही है यार, इस पर पता नहीं कैसी कैसी पेंटिंग्स है, और वहाँ पर क्या है उस्ताद वहाँ से, अबे कोई गाड़ी है ये तो। अबे रोबोट की गाड़ी थी तूने फोड़ दी छोटू, ये क्या? अबे ये सामने वही गेट है नजर आ रहा है, पुलिस वाले भी आ गए, नीचे देख सोल्जर आ चुके हैं छोटू। अबे यार सर मैं इस पे आरपीजी के गोले तो मार रहा हूँ पर कुछ असर ही नहीं हो रहा यार, मुझे तो लगा मैं इसको तोड़ दूंगा, पर अब इसको एक ही चीज़ तोड़ सकती है। अरे छोटू ये रोबोट का दरवाजा है, ये किसी चीज़ से नहीं टूट सकता। अरे यार सर इसको मैं तोड़ सकता हूँ पेंजर से। पेंजर से वो कैसे बाय करोगे छोटू, अभी हमारे पास पैसे हैं क्या? अबे हाँ यार सर, ऊपर देख लो 134,000 million यूरोज हमारे पास पड़े हैं। छोटू ये कितने पैसे होते हैं, 500 हो जाएंगे ये सारे मिला के? ये सारे दुनिया के सबसे उस्ताद महंगे आदमी के पास भी नहीं होंगे। आदमी भी महंगा होता है क्या छोटू, अमीर हो सकता है महंगा कैसे? अबे यार सर मेरे तो दिमाग में आता है ना वो मैं बोलता हूँ, और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। छोटू बता कौन सा दरवाजा तोड़ना है? अभी तो मैं किसी गाड़ी के अंदर घुस गया था यार, ये देखो मैंने पहले ना हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया क्योंकि उस्ताद वो मुझे मारने आया था, और ये रहा दरवाजा, चलो इसको फोड़ते हैं। अबे छोटू तू डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन नहीं ले, अपन जब तक तेरे साथ है ना तू डर। मैं किसी चीज से नहीं डरता, ऐसी कोई दुनिया में चीज ही नहीं है जिससे मैं डरूं। अबे छोटू अपन ने बोला मत डर। अबे यार सर मैं क्यों डरूं यार, मैं डरता ही नहीं हूं किसी से। मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द को छोटू ये याद रखना। अबे यार सर मैं भी मर्द हूँ यार, मुझे भी दर्द नहीं होता बिल्कुल भी यार सर, वाले कोई मेरे सीने में ना चाकू भी खोप दे। अबे चाकू वाकू को छोड़ दे, पुंगी बच जाएगी तेरी छोटू। अबे यार सर कोई भी मुझे नहीं मार सकता उस्ताद, सिर्फ चलो चलते हैं आप टिप्सन के पास। अबे टिप्सन को छोड़, हरियाणा चलते हैं छोटू, वहाँ अपन के खेत हैं, चल के खाते हैं, मैं तुझे आम खिलाता हूँ वहाँ चल के, देख अभी सीजन भी आने वाला है। अबे यार साद आम का सीजन तो कब का चला गया यार। ए छोटू तेरे को क्या हो गया, इतनी सी छोटी सी केरियां आ चुकी है मतलब अभी आम होने वाले हैं? अबे हाँ मैं तो भूल ही गया यार, चलो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जल्दी से ना आपने बूस्टर को भगाते भगाते चलते हैं टिप्सन के घर। बूस्टर, बूस्टर ये क्या है छोटू? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा यार साद, पर चलो टिप्सन के पास चलते हैं। अबे ये क्या हुआ, अबे टिप्सन उड़ गया हवा में आसमान में, वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा, नीचे रहा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये गिरा छत पे गिरा, वो देख ये क्या है।
छोटू मुझे लगता है ये कोई बड़ा साया है जो चिपक चुका है टिप्सन के अंदर। अबे यार सब मुझे तो डर लग रहा है यार, तुम तो मुझे और डरा रहे हो, पर ये टिप्सन कहाँ से आ गया? अबे ये टिप्सन को मुझे लगता है मिसाइल नीचे से लगा है और आसमान में चला गया। पर यहाँ पर तो कोई बम ब्लास्ट हुआ ही नहीं था, हुआ क्या था? अब जल्दी से ना टिप्सन से पूछेंगे। उस्ताद मैं टिप्सन के घर पर आ गया हूँ यार उस्ताद, पर यहाँ पर टिप्सन तो है नहीं यार, उसको तो मार दिया गया है। अबे टिप्सन को हमने तो नहीं मारा छोटू, या गोली लग गई उसको? अबे नहीं यार उस्ताद, वो ना खुद ही ब्लास्ट हो गया यार, और वो उड़ के दूसरी बिल्डिंग पे चला गया था। और ये देखो हेलीकॉप्टर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको तबाह करेंगे। वो रहा टिप्सन। अबे टिप्सन हुआ क्या था, कैसे उड़ गया? और रोबोट आ गया। अबे रोबोट को पहले मार, टिप्सन को छोड़। अबे यार ये तुम लोग यहाँ कैसे आ गए, भागो यहाँ से। इसको मारने के लिए हमें खुद मरना पड़ेगा। वो कैसे छोटू, यू डाइड तो हम हो चुके। मैंने खुद ही किया था ये। लेकिन क्यों उस्ताद? क्योंकि उसको मारना मुश्किल था। अबे यार छोटू चल टिप्सन, ये बता तू हवा में कैसे आसमान में चला गया, मेरे को ये बता। अबे मेरे पास एक शक्ति है जिसका मैं बना रहा हूँ सिस्टम, लेकिन वो फेल हो गया, मैं नीचे गिर गया। अबे हाँ यार टिप्सन, हमने तुझे देखा, हमें तो लगा टिप्सन के पास पता नहीं कौन सी पावर आ गई यार। अबे इस पावर का नाम है जेट पावर, जेट में उड़ा रहा था बस नीचे आके गिरा यार, बस फेल हो गया। अबे ठीक है यार टिप्सन, अभी हम चलते हैं यार, हमें और भी बहुत काम है, तो टिप्सन हम चलते हैं। हाँ टिप्सन तू ये काम करता रहे, ये तजुर्बे करते रहे, कभी ना कभी कामयाब हो जाएगा, ठीक है छोटू? और यार सर एक बात बताना था तुम्हें, भूल ही गया यार, जिसने ये पूरा वाइसटाउन बनाया है ना, उसकी जो कब्र है ना वहाँ पर यार साथ कुछ अलग ही चीजें हो रही हैं यार। मतलब क्या हो रहे है छोटू? उधर कोई भूतों का साया तो नहीं है, पर यार साथ पता चला है वहाँ पर किसी ने बॉम रख दिया है। बॉम रख दिया है? अबे ये क्या होगा छोटू, ये कैसे हो सकता है? अबे यार सर ये हो सकता है, और ये हो गया है, तो चलो हम कब्र के पास तो आ गए। वो रहा यार उस्ताद, मिस्टर एक्स की कब्र यहीं पर है, ऊपर लोगो भी लगा हुआ है एक्स, तो उस्ताद हमें इस जगह को फाड़ना होगा। अबे छोटू ये कोई ग्रेवयार्ड तो है नहीं, लेकिन ये क्या निशान क्यों बनाया हुआ है इसके ऊपर? उस्ताद ये पूरी एक कब्र है यार सर, यहाँ पर किसी भी आदमी को आने की इजाजत नहीं है, पर हम यहाँ पर। अबे आपको उनको परमिशन की जरूरत नहीं होती है छोटू, ये याद रख ले, अपने बैजे में डाल दे। मुझे तो नहीं लगता यार सर ये एक्स मैन की यहाँ पर लाश होगी भी, क्योंकि यार सर मुझे पूरा यकीन है कि वो मरा नहीं है, उसको किसी ने अभी तक किडनैप किया है। अच्छा तो छोटू अगर हम ये पता लगाएं कि वो मरा है या नहीं मरा और हमने उसको छुड़ा लिया तो हमें क्या मिलेगा? हमें यार सर वो पूरा वाइस स्टोन भी गिफ्ट कर सकता है, मतलब ये पूरा वाइस स्टोन फिर अपना होगा। ओके तो छोटू हम लग जाते हैं अब इसी मिशन के पास और करते हैं कि ये बंदा जिंदा है या मर चुका है, अगर मर चुका है तो अपन इसको लेके आएगा। और गाइस आप लोगों को क्या करना है पता है ना? बता छोटू तू। गाइस आपको करना ये है कि जल्दी से ना आपके मोबाइल में जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है ना रेड कलर का, उसको जल्दी से ना दबा दो यार, उसको ग्रे कर दो, ठीक है? तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और छोटू तू एंड में पता है क्या बोलता है? गाइस यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दो।